पन्ना जिले में लगातार चाइनीज फास्ट फूड एवं मोमोज आदि का सेवन कर बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने चाइनीज फास्ट फूड और मोमो सेंटर पर छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम ने कच्चे मोमोज और उसमें इस्तेमाल होने वाली चटनी को जब्त कर उसके सैंपल लिए। पन्ना जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार चाइनीज फास्ट फूड और मोमोज खाने से बच्चों के गंभीर बीमार होने के मामले सामने आए, जिसकी शिकायत भी खाद्य विभाग और सीएम हेल्पलाइन में कई बार की गई, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की और मोमोज एवं चटनी के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि नेपाल के रहने वाले युवक 2 सालों से यहां रहकर चाइनीज फास्ट फूड और मोमोज बेचा करते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का पंजीयन नहीं पाया गया है। पहले से ही लगातार शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है कि उनके द्वारा बादशाह शाही मस्जिद के सामने जो नेपाली मोमोज की दुकान है उसके यहाँ से मोमो लिए गए हैं और वो गंभीर रूप से मतलब उनके बच्चे बीमार हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मतलब कई दिनों से प्रयासरत थे कि कहाँ पे यह दुकान है और कहाँ इनका बनाने का ठिकाना है, ताकि पर्याप्त मात्रा में सामग्री सैंपल के लिए प्राप्त हो सके। तो इसी क्रम में हम आज खोजबीन करते हुए यहाँ स्थान पर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।